हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, शाम के 6 बज गए हैं और अभी अभी जस्ट मैं उठी हूँ, क्योंकि आज सुबह से काम पे में लगी हुई थी। कपड़े धोए, झाड़ू पोछा किया, उसी में बहुत टाइम लग गया। दोपहर का खाना बनाया और 3 बजे मैं सब कुछ काम करके फ्री हुई थी। उसके बाद मैं लेट गई और बस अब अभी उठी हूँ। बहुत थकावट हो रही है तो अभी बस मैं अपने शाम के काम पे लग जाती हूँ। अभी मुझे इतने सारे देख सकते हैं आप जो मैंने धोए हैं दोपहर को, ये देखिए। तो इन पे सब पे प्रेस करनी है, इकट्ठा करना है इनको। और यहाँ अलमीरा के कवर वो भी बिछाने हैं और उधर सोफे के कवर भी बिछाने हैं। और ये बेड शीट्स मैंने आज सारी चेंज कर दी थी, इस पे हमने दोपहर को खाना खाया था, तो ये बेडशीट भी मैं उठा देती हूँ। और अभी इन पिल्लो कवर पे मुझे सुई से टांके भी लगाने हैं। तो बस अभी अपने काम पे लग जाते हैं, क्योंकि अब एकदम से अंधेरा हो जाएगा। तो किचन में ये बर्तन मैंने लगाने हैं और आज मैं बनाऊंगी लौकी की सब्जी और रायता। तो यहाँ अभी ड्राइंग रूम के ये कवर भी मैंने बिछाने हैं सोफों के, और इधर टीवी का। सारी बेड शीट्स हर कमरे की मैंने चेंज कर दी थी। आज का मेरा शाम का ब्लॉग है फ्रेंड्स। तो चलिए, सारे कपड़े पहले मैं इधर बेड पे रख लेती हूँ। और ये वाली मेरी बेड शीट मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स। ये क्रीम कलर की है और बस 2-3 दिन में ही गंदी हो जाती है, तो मैं इसे बहुत कम बिछाती हूँ, क्योंकि ये कलर आपको पता ही है, गंदा होता है बहुत जल्दी। तो चलिए पहले मैं सारे कपड़े इधर रख लेती हूँ और ये कवर जो है सारे मैं बिछा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। कुछ कपड़े इसमें फ्रेंड्स प्रेस के हैं और कुछ कपड़े मैंने बिछाने हैं। तो बस अब मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सोफे के कवर मैंने बिछा दिए हैं अच्छे से, ये देखिए। और सारे कवर यहाँ के बिछ गए और यहाँ वाला भी बिछा देते हैं। ये भी बिछ गया है। और यहाँ इस वाले रूम में अलमीरा का ये चेयर्स के सब कपड़े मैंने चेंज कर दिए थे और सब धुल दिए हैं और ये नए बिछा दिए हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं। अभी कवर मैंने बिछा दिया है। ये वाली बेड शीट्स धोकर मैंने इकट्ठी कर दी है, इनको रख दूंगी अंदर दीवान में। और ये रह गए हैं बस प्रेस के कपड़े, तो अभी कर लूंगी मैं प्रेस। लेकिन पहले मैं बनाऊंगी सब्जी लौकी की, चने की दाल डालकर और लौकी का रायता। तो फिर इनमें टांके भी लगाने हैं, तो पहले मैं चलती हूँ किचन में, वहाँ ये वाली भी टांग देती हूँ। इनको भी मैंने धोया था, तो पहले किचन में आ गई हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने दोपहर के जो बर्तन साफ किए थे, इनको मैं स्टैंड में लगा दूंगी। और ये रही चने की दाल जो मैंने दोपहर को भिगो दी थी, तो यही डाल के आज लौकी की सब्जी बनेगी। और ये रही लौकी, तो पहले बर्तन लगा देती हूँ। तो मैं ले आई हूँ सब्जी, यहाँ बैठकर मैं कट करूंगी। और बेडशीट खराब हो जाती है फ्रेंड्स सब्जी वगैरह काटने में, तो मैंने इसलिए ये वाला कपड़ा इसके ऊपर बिछा लिया है। तो अब मैं करूंगी सब्जी कट और फिर उसके बाद बाकी का काम करूंगी। बस काम तो बहुत सारा बाकी है अभी, फिर टांके वगैरह लगाऊंगी इनके ऊपर। तो पहले मैं सब्जी कट कर लेती हूँ, सब्जी में तड़का लगा देती हूँ, तब तक मेरी सब्जी बनेगी। तो मैं ये वाला काम भी निपटा लूंगी कपड़ों का जो रह गया है। तो चलिए जल्दी से सब्जी कट कर लेते हैं। और थोड़ी सी लौकी मैं इसमें से कद्दूकस करूंगी, क्योंकि मुझे लौकी का रायता बनाना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी कट हो गई है। सब्जी मैंने कट कर ली है और मसाला भी तैयार कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और सब्जी में तड़का लगा देते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा काम पड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लौकी रख दी है उबलने के लिए, और यहाँ मैंने तड़के में डाल दिया है जीरा और सूखी लाल मिर्च। जीरा मेरा चटक गया है, अब मैं डाल देती हूँ ये मसाला जो मैंने पेस्ट कर तैयार किया। थोड़ा सा काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी ही गर्मी पड़ रही है, तो जितना सिंपल खाना उतना ही अच्छा है। तो इनको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और ये सब मिलाकर मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में। और लौकी जब मेरी ठंडी हो जाएगी तो मैं बाद में इसमें डाल दूंगी। ये गल गई है, बंद कर देते हैं गैस को। मैंने दाल को मसाले के साथ अच्छे से भून लिया, तो अब इसमें डाल देती हूँ लौकी। थोड़ी सी इसके अंदर डालेंगे तेखी मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखी नहीं है, तो ये भी डाल देते हैं फ्रेंड्स। मैं भूल गई थी, तो ये भी डाल देते हैं। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। जिससे हमारी लौकी अच्छे से गल जाएगी, क्योंकि ये मार्केट से लेकर आए हैं फ्रेंड्स लौकी। तो थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है लौकी इसके अंदर और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, सब्जी गलती रहेगी। और यहाँ पर मैंने लौकी को इस छन्नी में डालकर अच्छे से ठंडा कर लिया है, तो अब इसको भी दही में डाल देती हूँ। तो डाल देती हूँ, तो मैं तो इसको अच्छे से दही में मिक्स कर देती हूँ। और किचन का, सब्जी का और ये काम मेरा खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब मैं बैठकर आराम से करूँगी प्रेस, और सब्जी मेरी बन गई है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, तो मैं देखिए मैं लगा रही हूँ पिल्लो के कवर में टांके, और अब कर लेती हूँ प्रेस और फिर मैं जाऊँगी छत पर घूमने के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा थोड़ी देर ऊपर घूम कर आ जाऊँगी। तो प्रेस मेरी हो गई है, सारे कपड़े भी मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, और दिन भर पूरा दिन ये ऐसे ही काम चलता रहता है। तो चलिए अब चलते हैं छत पर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ छत पर और शाम के 7 बज गए हैं, और छत पर बहुत अच्छी हवा चल रही है, नीचे बिल्कुल अच्छी हवा चल रही है। और सब्जी मैंने बना दी है, प्रेस वगैरह कर दी है कपड़ों पर, और अब मैंने सोचा थोड़ी देर छत पर घूमाती हूँ। मौसम बहुत अच्छा आ रहा है और आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी हवा चल रही है। और हवा की वजह से यहाँ आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए बच्चे खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में नीचे, तो ठंडा मौसम हो गया इस टाइम। यही था फ्रेंड्स मेरा आज का छोटा सा इवनिंग रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, एंड तक वीडियो देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बस अपना सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए हमारे ब्लॉग को। बहुत मेहनत से हम लोग व्लॉग बनाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, और थोड़ा सा काम बाकी है वो भी कर लेते हैं। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम, बाय बाय।